वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में मोदी जी को 2019 में मिले पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में उनके चार देशों की यात्रा, भूटान, फ्रांस, यूएई और बहरान की राजधानी और मुद्रा के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2019 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो यह देश है रूस। उन्हें यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच कूटनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राज के सम्मान से सम्मानित किया? तो यह देश है रूस। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाड़ी के किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने की घोषणा की? तो यह देश है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने अपना सर्वोच्च राज के सम्मान जायद मेडल से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2019 को किस भारतीय राजनेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये राजनेता हैं नरेंद्र मोदी। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सबसे बड़ा सम्मान निशान इज्जुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा? तो ये इसका आंसर है मालदीव। मालदीव देश ने अपने सबसे बड़े सम्मान निशान इज्जुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2019 को दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सियोल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2019 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमार्ड ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया? तो यह देश है बहरीन। इसका आंसर है सी। 5 सालों में मोदी को मुस्लिम देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है, जैसे कि अभी 2 देशों ने दिया था, संयुक्त अरब अमीरात ने और बहरीन ने। इससे पहले पीएम मोदी को फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन और अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड और सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला अजीज सॉस अवार्ड और मालदीव के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान जुद्दीन से नवाजे जा चुके हैं। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भूटान देश में। इसका आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है फ्रांस के बियारेट्ज में। इसका आंसर है बी। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 4 देशों की यात्रा की है, भूटान, फ्रांस, UAE और बहराइन की। अब इन देशों की राजधानी, मुद्रा और वहाँ के राजा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं भूटान, वहाँ की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है भूटानी नगुल्ट्रम और इंडियन रूपी। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटाय त्शेरिंग और जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वहाँ के राजा हैं। नेक्स्ट है फ्रांस, वहाँ की राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो और एडोआर्ड फिलिपे प्रधानमंत्री हैं और इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है UAE, UAE की राजधानी है आबू धाबी और मुद्रा है दिरहम और शाह शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है बहराइन, बहराइन की राजधानी है मनामा और मुद्रा है दिनार और खलीफा एम सुलेमान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और अहमद एम ईसा वहाँ के राजा हैं। तो ये थे मोदी को मिले जनवरी से लेकर अभी तक सम्मान और पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन। और अभी हाल ही में 4 देशों की यात्रा की थी, उसकी राजधानी और मुद्रा और राजा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।